हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट एंड सर्विसेज। आज का वीडियो टॉपिक है एजेंट मॉडल इन टेलीप्रेम। एजेंट को टेलीप्रेम में कैसे मेंटेन करते हैं, एजेंट मॉडल को जो सेल में और परचेस में दोनों जगह पे आएगा। प्रेजेंट आज मैं आपको सेल के बारे में ही समझाऊंगा कि सेल करते टाइम पे एजेंट को कैसे और कहाँ पे क्रिएट करना है, कमीशन कितना परसेंट देना है, उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा, उसमें से कितना जाने के बाद, ये सब सारे चीजों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आके हमको गेटवे ऑफ टैली में टैली ऐड ऑन ऐड कर लेना है, ये तो सबको पता है। ऐड ऑन फीचर्स में जाके एनेबल एजेंट मॉडल इन टैली प्राइम ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में हमको एजेंट नेम क्रिएट बोल के एक आएगा। आने के बाद इसमें जाके एजेंट्स को क्रिएट कर लेंगे। प्रेजेंट मैंने दो एजेंट्स क्रिएट करके रखे हैं, एजेंट वन एजेंट टू। मैं थर्ड एजेंट कर लेता हूँ, एजेंट थ्री बोल के बना लेता हूँ। अंडर प्राइमरी में ही रहेगा। कमीशन आगे इसका डिफाइन करता हूँ मैं, 5% कमीशन डिफाइन करता हूँ। एजेंट का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं हम, परसेंटेज नेचर का कि 200 रुपीज है एजेंट को या क्या है बोल के। दोनों में कौन सा भी एक चीज लेगा, या तो मार्जिन सेट करे तो कमीशन परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज सेट करे तो मार्जिन निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे एजेंट का मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, मैं मेल आईडी भी डाल सकते हो आप एजेंट का, टेल नेम सर, एड्रेस भी डाल सकते हो, जो भी है वो एजेंट के रिलेटेड फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आके वोचर एंट्री में जाने के बाद, सेल्स वोचर में जाने के बाद हमको यहाँ पे पार्टी का नाम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नई पार्टी एक क्रिएट कर लेता हूँ, रवि कुमार अंडर सन्ड्री डेबिटा। हम इस पार्टी को बाय डिफॉल्ट से एजेंट को फिक्स कर सकते हैं कि बार बार हम वाउचर में जाके नहीं लेना बोल के भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर यहीं से ये भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ एजेंट के पास आ जाएगा। हम डिफॉल्ट से रवि कुमार पार्टी सेलेक्ट करते ही डिफॉल्ट एजेंट थ्री बोल के हमको सिलेक्टेड हो जाना। बार बार हम वाउचर में सिलेक्शन नहीं करेंगे बोले तो एजेंट थ्री बोल के सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल ये करने के बाद डिटेल्स फिल कर लो। यहाँ पे एजेंट थ्री ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ से चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, एजेंट टू को कर सकते हो, वन के कर सकते हो, जो भी एजेंट है आप कर सकते हो। तो एजेंट थ्री को लेके कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। आइटम वन डाला, 10 आइटम्स, 10 आइटम, आइटम टू डाला, 5 आइटम का टोटल अमाउंट ये हो गया। उसके ऊपर CGST HGST ऐड हो गया। फ्रेंड्स, एजेंट का कमीशन जो है वो सिर्फ एसेसिबल वैल्यू पे ही लगता है, ना कि GST के ऊपर। टोटल मिला के नहीं लगेगा, सिर्फ 2280 पे ही 5% कैलकुलेशन करेगा एजेंट का मॉडल। एंटर एंट्री देने के बाद यहाँ पे एजेंट को फिर से दिखाएगा हमको, एजेंट थ्री को सिलेक्ट किया है बोल के। एंटर एंट्री दे के सेव करने के बाद स्केप, गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले, यहाँ पे एजेंट मॉड्यूल बोल के रिपोर्ट्स बोल के आ जाएगा। उसमें जाने के बाद आपको तीन रिपोर्ट्स मिलेंगे, एजेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट मिलेगी, एजेंट वाइज रिसिप्ट रिपोर्ट मिलेगी, एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिलेगी आपको। तो पहले एजेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट देख लेते हैं। ये हमने एजेंट थ्री को डाला था 6 को डेट को, इसका अमाउंट 2280 के पर 5% कमीशन टैक्स कमीशन कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं आपको मैं दिखा देता हूँ। 2280 माइनस 5%, 114, ये 114 यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स इसके ऊपर बेसिक अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है परसेंटेज जो भी है वो। अभी इसमें हम एजेंट को फिल्टर भी कर सकते हैं। देखो मैंने सारे एंट्रीज डाला है इसमें, एजेंट वन, एजेंट टू, एजेंट थ्री। अभी एजेंट थ्री को फिल्टर करना है बोले तो एजेंट थ्री का फिल्टर लेके यहाँ पे करने के बाद एजेंट थ्री का ही आएगा। इसी प्रकार टू का एजेंट फिल्टर करना है बोले तो एजेंट टू यहाँ पे आ जाएगा। डेट्स देने रिमूव करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा। इसी प्रकार एजेंट वन, जिसको भी एजेंट को आप फिल्टर करोगे उसको देखिए, डेट्स रिमूव कर दिया तो आपको टोटल आ जाएगा, उसका कमीशन आ गया, बेसिक वैल्यू आ गया, और यहाँ पर वाउचर टाइप कौन से वाउचर टाइप पे था, कौन से डेट में था, ये सारा कुछ आपको आ जाएगा। स्किप। अभी यहाँ पे एजेंट रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, चलिए एक रिसिप्ट पास करके देख लेते हैं और आउटस्टैंडिंग भी देख लेते हैं फटाफट करके। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद एक रिसिप्ट प्रेस करने के बाद इसका ले लेंगे, इसका आके बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं 793 दे दे रहा हूँ, 793
दिया, कौन से एजेंट के थ्रू? एजेंट 3 के थ्रू ही रिसीव्ड अमाउंट आया है। देखने के बाद स्किप डिस्प्ले रिपोर्ट्स एजेंट, इसमें देखिए इसका कमीशन 5% से आ गया, इसका कितना हो गया कमीशन भी, रिसिप्ट के ऊपर भी कमीशन फिक्स करना बोले तो हम रिसिप्ट के ऊपर भी इतना कमीशन उसको दे सकते हैं। थोड़े शॉप्स में थोड़े कस्टमर्स के पास क्या होता है कि सेल करने का बाद जो कलेक्शन आता है उसी के ऊपर सेल्स एजेंट को कमीशन देते हैं, तो उस सिनारियों में ये रिपोर्ट काम करेगी हमको। आउटस्टैंडिंग देखने के बाद देखो एजेंट 3 का आउटस्टैंडिंग कितना है बोल के आएगा, डिटेल्स भी आ जाएगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस फ्रेंड्स। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो आपको कॉल कीजिए या फिर मेल डालिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Presenting Tally Prime, make everyday simple.